एक 8 साल के बच्चे की मां मर जाती है। एक दिन उसके पापा ने पूछा कि बेटा, तुझे अपनी नई मां और मरी हुई मां में क्या फर्क लगा? तो वो लड़का बोला, मेरी नई मां सच्ची है और मरी हुई मां झूठी थी। ये सुन के उस आदमी को झटका सा लगा और वो बोला, क्यों बेटा, ऐसा क्यों लगता है? जिसने तुझे जन्म दिया वो झूठी और कल आई हुई मां सच्ची क्यों लगती है? लड़का बोला, जब मैं मस्ती करता था तब मां कहती थी, अगर तू इसी तरह मस्ती करेगा तो तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी बहुत मस्ती करता और वो मुझे पूरे गांव से ढूंढ कर लाती, अपने पास बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। और ये नई मां कहती है, अगर तू इसी तरह मस्ती करेगा तो तुझे खाना नहीं दूंगी। और सच में उसने आज मुझे 3 दिन से खाना नहीं दिया। दोस्तों, माँ तब भी रोती थी जब बेटा पेट में लात मारता था। माँ तब भी रोती थी जब बेटा गिर जाता था। माँ तब भी रोती थी जब बेटा बुखार या सर्दी में तड़पता था। माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था। और माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता। इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड करो कि माँ कभी भूखी ना सोए और उसकी आंख से एक कतरा आंसू ना आए। दोस्तों, वो भी क्या दिन थे, मम्मी की गोद और पापा के कंधे। न पैसे की सोच, न लाइफ के फंडे, न कल की चिंता, न फ्यूचर के सपने। अब कल की है फिक्र और अधूरे हैं सपने। मुड़कर देखा तो बहुत दूर हैं अपने। मंजिलों को ढूंढते कहाँ खो गए हम, आखिर इतने बड़े क्यों हो गए हम? दिन भर काम के बाद पापा पूछते हैं कि कितना कमाया, वाइफ पूछेगी कितना बचाया, बेटा पूछेगा क्या लाए, लेकिन माँ ही पूछेगी, बेटा कुछ खाया? अगर आप फ्री हो तो इस मैसेज को इतना फैलाओ जितना आप अपनी माँ से प्यार करते हो। एक मैसेज माँ के नाम, लव यू माँ, लव यू, लव यू, लव यू माँ। थैंक यू फ्रेंड्स, नितेश सोनी।